गुड मॉर्निंग। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर वन आज जो है नंबर सिस्टम, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर आप क्लास एट तक आपने देखा है कि मैथ्स के अंदर बहुत सारे जो नंबर है उनका आपने क्या क्या वर्गीकरण किया, एक व्यवस्थित क्रम बनाया। मैथ्स बहुत सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होता है, जीरो होता है या टू अपॉन थ्री फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। अब इन सब जो नंबर है, इन नंबर को अपन को एक व्यवस्थित क्रम देना है, उनको एक क्लासिफिकेशन करना है, उसी को नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। दैट इज नॉन एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल नंबर। जो नंबर है उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन किया, आपने वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले अपने जो देखा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, नंबर विच यूज टू काउंट द थिंग्स, वो नंबर, वो संख्या है जो वस्तुओं को गिनने के काम आते हैं। कोई वस्तुएं पड़ी है आपको, तो वस्तु दो हो सकती है, पांच होगी, सात होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती वस्तुएं या प्रॉपर। तो उसको संख्या का वो कलेक्शन जो वन टू थ्री फोर, ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को अपन कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। नंबर लाइन के ऊपर यदि देखें तो जीरो को छोड़ दो आप, इसके बाद में वन टू थ्री फोर फाइव, ये जो सभी नंबर है उस नंबर को अपन क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट होता है सबसे पहले, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर को एन से स्टार्ट, इसके एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को एन से। और एन क्या होता है, अ सेट ऑफ द नंबर वन टू थ्री फोर फाइव, ये जो सभी नंबर है इनको अपन क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। वो क्लास अपन ने सिक्स में देखा था कि नेचुरल नंबर क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डॉट डॉट डॉट, ये सभी जो नंबर है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर। इसके बाद में जो आपका आता है दूसरा पॉइंट, होल नंबर। अब होल नंबर जो होता है, यदि नेचुरल नंबर का जो सेट है वन टू थ्री फोर फाइव, इसके अंदर सिर्फ एक नंबर किसको ऐड कर लें, जीरो को भी ऐड करें, तो जीरो वन टू थ्री फोर ये जो सेट होगा वो उसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, होल नंबर या पूर्ण संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा। नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर होता है और उसके अंदर एक और अवयव एलिमेंट क्या डाल देता है उस कलेक्शन के अंदर, जीरो, जीरो भी साथ में हो गया, तो जीरो वन टू थ्री फोर ये जो सेट है, इस सेट को अपन क्या कहेंगे, होल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। तो नंबर नेचुरल नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू से, द कलेक्शन ऑफ द सेट जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट। इसमें एक नेचुरल नंबर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ गया, जीरो यदि साथ में सम्मिलित करते रहे तो ये जो नंबर का सेट होता है उस नंबर को अपन क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। इसके बाद में अपन ने नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, इंटीजर्स क्या होते हैं, तीसरा पॉइंट इंटीजर। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में क्या होता है, नंबर लाइन के ऊपर यदि जीरो से इसको सेट है, तब ये तो नेचुरल नंबर था, वन जीरो को भी ऐड कर लिया तो ये क्या ना गया, होल नंबर हो गया। अब इसके साथ में ये जो नेगेटिव नंबर से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, इनको भी ऐड कर ले, इनका भी कलेक्शन साथ में ले लें, तो इनका जो पूरा कलेक्शन बनेगा इस कलेक्शन को अपन क्या कहेंगे, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स या इसे हिंदी में पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, जिसमें सभी धनात्मक संख्या, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर विद जीरो, वन टू थ्री फोर एज वेल एज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, दिस सेट इज नोन एज द कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज नोन एज द इंटीजर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द आई ओवर जेड। इंटीजर्स का पहला वर्ड क्या है, आई है, और इसको एक जर्मन में जेल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जेल जो वो जेड है उसको भी अपन यूज ले सकते हैं, आई ओवर जेड या इससे या कैपिटल जेड से। और इसमें अब क्या कलेक्शन हो जाएगा, जीरो वन टू थ्री, ये तो पॉजिटिव ना, ये तो है गई जीरो, और इसके साथ माइनस वन भी होगा, माइनस टू भी होगा, माइनस थ्री डॉट 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 का मतलब है माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, जहां तक जा सकते हैं माइनस हंड्रेड माइनस वन थाउजेंड डॉट डॉट डॉट, इन्फाइनेटली जाते रहेंगे इस तरह। और इधर पॉजिटिव भी थ्री से आगे तक, फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन, इसके बाद हंड्रेड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड वन लैक्स, इस तक ये अनलिमिटेड जाते रहते हैं। तो ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। ये भी क्लास एट्थ में अपन सेवन्थ एट्थ में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ये हुआ, इसके बाद इंटीजर्स के बाद में अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं, रेशनल नंबर। क्लास एट्थ में एक टॉपिक था आपके रेशनल नंबर, रेशनल नंबर।
अब क्लास 8 में जो अपने देखा था रेशनल नंबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन वापस रिपीट कर रहा हूं। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, एक कोई ऐसा नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में यदि रिप्रेजेंट कर सकते हैं देन सच टाइप ऑफ द नंबर इज नोन एज ए रेशनल नंबर। पूर्ण डेफिनेशन अपन देख रहे हैं, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, वहां पी और क्यू क्या होता है इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह का जो कलेक्शन होता है उस तरह के जो नंबर है उनको अपन नंबर क्या कहेंगे रेशनल नंबर। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड Q is not equal to zero. कोई भी नंबर है जिसको P upon Q के रूप में मान लो जैसे दो टू अपॉन थ्री लिख दिया, टू अपॉन थ्री तो टू अपॉन थ्री के फॉर्म में लिख दिया तो ये आपने क्या होगा रेशनल नंबर। क्या P और Q क्या है यहाँ पर इंटीजर्स है, टू भी इंटीजर्स होता है ये बड़ा, थ्री भी इंटीजर्स होता है, यहां से कोई भी एक आप उठा लो फ्रैक्शन के फॉर्म में टू अपॉन थ्री तो उसको क्या कहेंगे अपन रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन जो डिनोमेटर में जो होता है वो क्यू वो उसकी वैल्यू जीरो नहीं ले सकते क्योंकि टू अपॉन जीरो जब जीरो नीचे चला जाएगा तो इसको इन्फाइनेटली वैल्यू इसकी जो होगी वो नहीं, उसको टू अपॉन जीरो गए इन्फाइनेट या अननोन होती है उसकी वैल्यू तो उसको अपन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर भी कोई भी इंटीजर्स ले लेंगे और नीचे भी कोई भी इंटीजर्स ले लेंगे क्यू को छोड़ते हुए। देन वी कैन से द रेशनल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ द ऑल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड वैल्यू ऑफ द क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो देन सच टाइप ऑफ ए नंबर इज नोन एज ए रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा और रेशनल नंबर जो होता है उसको अपन किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये अपन एट्थ में देख चुके हैं कोई भी रेशनल नंबर होता है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये तो चार तरह के क्लासिफिकेशन हुए, इसके बाद में आता है इरेशनल नंबर जो आपका इस क्लास चैप्टर रेशनल नंबर तक क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है इसके एक्स्ट्रा वो अपन नेक्स्ट वाले एपिसोड में कल देखेंगे, इस रेशनल नंबर इससे कैसे हटकर होता है क्या होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब अपन देखेंगे। तो ये सिर्फ जो नंबर्स है उन संख्याओं को अपन एक व्यवस्थित क्रम देना चाहे उस क्रम को ही अपन क्या कहते हैं नंबर सिस्टम या क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स। ओके okay.